हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे। आज हम एक आंशिक अवकलन से संबंधित एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यह एग्जाम्पल हमारी बुक का सेकंड एग्जाम्पल है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आंशिक अवकलन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम आंशिक अवकलन किसे कहते हैं तथा किस प्रकार निकालते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था, यदि किसी भी फंक्शन का हम आंशिक अवकलन निकालते हैं और जिसके सापेक्ष निकालते हैं, तो उस फंक्शन में केवल उस वेरिएबल का हम अवकलन करते हैं तथा जो भी अन्य वेरिएबल होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन हमारा एक्स वाई जेड है, यदि हमें इसका एक्स वाई है, यदि हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो हम y को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे तथा केवल x का ही अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन कितना हो जाए, 1। तो ये इसका आंशिक अवकलन हो गया x के सापेक्ष। ये सब चीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c। तो x बराबर y बराबर z पर हमें ये सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स वाई इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हमारे क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि डेल z अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब पहले हमें जेड का वाई के सापेक्ष, किसी फंक्शन जेड का वाई के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है आंशिक वाला, फिर जो आंसर आता है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया कि हमें ये निकालना है। लेकिन ये हमारा फंक्शन है, इसमें जेड का मान डायरेक्ट नहीं दे रखा। ठीक है, तो यदि किसी भी उसका मान हमें डायरेक्ट नहीं देता तो उन फंक्शन को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ये हम पहले देख चुके हैं पिछली क्लास में कि अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। देखिए, ये एक अस्पष्ट फलन है क्योंकि जेड का मान डायरेक्ट नहीं दे सकता और हम निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस फंक्शन को हमें दूसरे रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, सबसे पहले तो हमारा यदि कोई भी फंक्शन घात के रूप में हो, किसके रूप में हो, घात के रूप में हो, तो सबसे पहले हम उसे लॉग लेके वो घात को हटाते हैं। समझ में आ गया, सबसे पहले किन्हें हटाते हैं, घात को हटाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे फंक्शन में दोनों साइड क्या लेने पर, लॉग लेने पर, तो लिखते हैं दिए फलन के दोनों पक्षों पर क्या करने पर, लॉग लेने पर। अब पता पड़ गया लॉग क्यों लिया है हमने, क्योंकि यह फंक्शन किस में है, घात के रूप में है। ठीक है, लेने पर। ठीक है, अब लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, ये लॉग ले लिया। ठीक है, अब लॉग को हम खोल लेते हैं। यदि हम जानते हैं कि यदि कोई भी लॉग में यदि दो फंक्शन गुना के, दो चर गुना के रूप में हैं, तो क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी प्रकार यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो इन्हें भी अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कर लिए। अब ये घात तो हमेशा लॉग के साथ में यदि कोई घात लगी हुई होती है तो वो घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। ये सब लॉग के गुण होते हैं जो हम पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे ये समझ। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, अभी भी ये फंक्शन बिल्कुल स्पष्ट फलन नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, सीधी सी बात हमारे समझ में आ रहा है कि वाई के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। ये हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो हम ये करेंगे, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, तथा
एक्स को क्या मानेंगे हम? अचर मानेंगे, ठीक है? ठीक है, ये हमने लिख लिया। वैसे आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल को अचर ही मानते हैं, लेकिन ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक जेड भी है, ठीक है? तो हमको केवल एक्स को अचर मानना है, ठीक है, और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो करें, एक्स अचर है तो ये एक्स का ही पूरा फंक्शन है, तो ये सब इसका अवकलन किया तो क्या हो गया? जीरो, ठीक है, प्लस, क्योंकि एक्स का वाई है नहीं है, तो इसको कॉन्स्टेंट मानना है पूरे को। तो जब हम किसी भी कॉन्स्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो जीरो आता है, ठीक है। अब ये बाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है, ये पूरा फंक्शन किसका है? बाई का है, और वो भी किसके गुणा के रूप में। दो फंक्शन है, एक तो बाई और एक लॉग बाई। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के हम इसका क्या करेंगे? अवकलन। हम जानते हैं यू इंटू बी वाला, जब दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं? पहला फंक्शन दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, ठीक है, हो गया है। इसी प्रकार जेड का करेंगे, जेड कॉन्स्टेंट नहीं मानना इसलिए इसका अवकलन होगा, ठीक है, वही दो फंक्शन के रूप में गुणा के रूप में। तो करें, पहला फंक्शन दूसरे फलन का अवकलन, लॉग जेड का हो गया वन अपॉन जेड, तो जेड का किया तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस लॉग जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, बराबर लॉग सी का अवकलन किया तो जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल रूप में ले लेते हैं, बाई से बाई कट गया, जेड से जेड कट गया, तो इधर क्या बचा? इधर वन बचा, प्लस लॉग वाई, इधर क्या बचा? डेल जेड अपॉन डेल वाई, कॉमन ले लिया दोनों में, वन प्लस लॉग जेड, ये हमारा आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है? डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये निकालना है। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई को इधर ही रहने देते हैं, और सब चीज़ का क्या कर लेते हैं? पक्षांतरण कर लेते हैं, ठीक है। वन प्लस लॉग वाई हो गया, और ठीक है, लॉग वाई बटे वन प्लस लॉग जेड, ठीक है, ये आ गया हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? डेल जेड अपॉन, मतलब जो ये आंसर आया इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन इसे करने से पहले हम एक और चीज़ निकालेंगे, क्योंकि वो हमारे आंसर में काम आएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे हम? निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, मतलब जो हमारा फंक्शन था उसका किसके सापेक्ष, इसको फंक्शन डाल लेते हैं भाई, समीकरण एक, ठीक है, इसको एक, तब समीकरण एक का, क्योंकि वो हमारे काम में आएगा इसलिए हम यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तथा वाई को क्या मानेंगे? समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक करने पर तथा वाई, वाई को क्या मानेंगे? अचर मानकर, ठीक है, वाई को क्या मानना है? हमको अचर करना मानना है, और एक्स का क्या करना है? आंशिक अवकलन करना है। तो ये हमारा फंक्शन था, ठीक है, तो हमें क्या है? वाई को क्या मानना है? अचर एक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो इसका करते हैं, एक्स के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करना है, तो इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में करेंगे इसका अवकलन, ठीक है। तो कैसे करते हैं? पहला इसका किया तो वन अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस इसका किया तो लॉग एक्स, दूसरा फलन पहला फलन का किया तो वन, ठीक है, हो गया। ये कॉन्स्टेंट मानना है तो इसका जीरो हो गया, इधर करेंगे तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में, ठीक है। तो लॉग जेड
डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इंटू वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, बराबर लॉक्सी का जीरो। तो क्या आया, एक्स से एक्स गया, जेड से जेड गया, तो क्या बचा हमारे पास, लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस जेड जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो बचा लॉग जेड प्लस वन जीरो। तो हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है, इसलिए और सब चीज़ का क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमें ऐसे लिख लें, क्या बचा इधर, वन प्लस लॉग एक्स माइनस में, ठीक है, निकालें तो इसका भी पक्षांतर कर लें, लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड, ठीक है, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान आ गया, ठीक है, ये हमारे काम आएगा, इसलिए यहाँ निकाला हमने, ठीक है। अब हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से हमारा ये डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान आ गया, ठीक है। अब हमें आंसर निकालने के लिए इसका क्या करना है, डेल एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जब ही हमारा क्या निकलेगा, डेल स्क्वायर डेल एक्स वाई, ठीक है। तो करें, इसका किसके सापेक्ष करना है, हमको एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, ठीक है। तो अब इसको ये निकालना है हमको, तो हम लिख लेते हैं, इसको दो मान लो, ठीक है, और इसको मान लो तीन। समीकरण दो का, ठीक है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, ठीक है, मैं वाई को अचर मानकर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, करने पर, ठीक है, ये हमारा समीकरण दो है, ठीक है। इसको क्या करना है, वाई को तो अचर मानना है और एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण दो यहीं लिख लेते हैं, करें एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो इसमें वाई को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया, हमको नीचे वाले का निकालना है, ठीक है, आगे समझ में। तो वन अपॉन बी, वन अपॉन बी का कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं, वन अपॉन एक्स का कैसे निकालते हैं, हम माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इस टाइप में निकालते हैं ना, तो ऐसे इसका निकालेंगे, वन प्लस लॉग जेड, ठीक है, जेड कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये क्यों ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका निकालते हैं, वन प्लस लॉग जेड का, इसका क्या होगा, वन का जीरो, वन अपॉन जेड लॉग जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, हो गया ये। अब इसको सोलह सोल्व और कर लेते हैं, माइनस था इसका किया तो माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमने निकाला था समीकरण नंबर तीन में, इसलिए हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला था, कि बोला था कि ये काम आएगा, ठीक है। माइनस वन अपॉन लॉग एक्स वन प्लस लॉग जेड, ठीक है,
क्या आता है वो लिख लेते हैं एक बार। लॉग पाई वन प्लस लॉग जे एक्स जेड वन प्लस लॉग जेड की घात क्यू। ठीक है, अब वो कुछ कह रहा है कि जब यदि हम एक्स बराबर वाई बराबर जेड माने तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड माने मतलब इन वाई एक्स और जेड इनको सेम माने तो क्या होगा, तो फिर ये आपस में कट जाएंगे यदि इन तीनों को सेम माने, तो ये तीन घात है तो हमारा आएगा। तो इन सब को किसके बराबर मान लें, हम एक्स के बराबर मान लें, तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। वन प्लस लॉग जेड की घात क्यू जेड, तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लिया एक्स, सब तीनों को सेम सेम मान लिया, तो क्या कट गया ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वन को हम यदि लॉग के रूप में लिखें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लॉग ई। ठीक है, तो ये वही लिख लेते हैं, ई प्लस लॉग एक्स। ठीक है, सबका आधार ई है तथा इसको हम आगे भी लिखें तो एक्स लिख दिया, यही हमें प्रूव करना था। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।